वी ऑल नो थॉमस एडिसन एज द इन्वेंटर ऑफ द बल्ब, बट डू यू नो थॉमस एडिसन से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्किंग इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था, बट देन वाई आर दे नॉट कॉल्ड एज इन्वेंटर ऑफ द बल्ब एंड थॉमस एडिसन को ही क्यों बोलते हैं? दैट्स बिकॉज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चारकोल यूज करके बल्ब बनाया था. चारकोल यूज करेंगे तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता था, उसका लाइफ स्पैन भी इतना नहीं था. और एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब बनाया बट दैट वॉज विद प्लैटिनम फिलामेंट. अभी प्लैटिनम फिलामेंट इज कॉस्टली, इट्स कॉमन मैन कैसे अफोर्ड कर पाएगा, सो इट वॉज नॉट कमर्शियली वायबल. देन केम एडिसन, ही ट्राइड ऑलमोस्ट 1000 एक्सपेरिमेंट्स टू क्रिएट अ फाइनल वर्किंग बल्ब जो 1500 आवर्स के लिए लास्ट करता था एंड दे यूज अ बैम्बू फिलामेंट. नाउ दिस बल्ब वॉज कमर्शियली वायबल, बहुत लंबा भी चलता था एंड अच्छा भी था, एंड दैट्स वाई थॉमस एडिसन इज कॉल्ड एज इन्वेंटर ऑफ द बल्ब. बट देर वॉज अनदर इशू विद द पेटेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जिसके बारे में विल टॉक अबाउट इन टुमारोज रील, सो फॉलो फॉर मोर.